ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये इट इज, और एक थोड़ा सा नॉर्मल है, मैं बताता हूँ दोनों। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। बट बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, हमें समझना पड़ेगा कि ईएमएफ जो जनरेट होता है ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल कैसे होता है। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन करने से पहले पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो आपकी आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन से, और दो बार मैग्नेट रख दिया गया, एक इस साइड नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड आप इन द मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या रखा है, एक सर्कुलर क्वायल रखा है, ओके, जिसपे ये राउंड क्वायल पे एन टर्न्स है। एन टर्न्स का लैबिटेशन कहते हैं आई थिंक, या फिर क्वायल पे एन राउंड का और वायर वाइंडिंग कर दिया गया है, राइट। अब देखो आप यहाँ पे, बट ये क्वाइल सीधा सीधा नहीं रखा है। अगर ये क्वाइल आपको ऐसे रख दिया गया होता है, राइट, ठीक है, ये मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है, लेट मी जस्ट चेंज कलर। सो अगर आपका क्वाइल ऐसे रख दिया गया होता तो आपका जो एरिया, आपको यहाँ पे दो दो चीज समझना है कि फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, बी इंटू ए। अगर वो वाइंडिंग इस कॉइल पे किया गया होता, ये वाली कॉइल पे, तो क्या हो जाता, फ्लक्स एन इंटू बी इंटू ए, राइट। क्यों? क्योंकि सही में अगर आप समझो तो ये बी डॉट ए होता है। अगर आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा हो फ्लक्स का, तो बी डॉट ए, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये ए है। एरिया वेक्टर क्या होता है सर्कल का, जस्ट सेंटर से यू नो अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन गया, जीरो। तो कॉस बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो थीटा जीरो हो गया, तो वो जस्ट बी आ गया, एन बी है। लेकिन यहाँ पे थीटा जीरो नहीं है, बी की डायरेक्शन ये है, और एरिया जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कल है वो ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो फाई जो हो जाएगा वो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। बी डॉट ए अगर आप करोगे तो एन इंटू बी ए कॉस थीटा, राइट। अब थीटा को कैसे रिप्लेस करोगे, अगर मान लो यही होता केवल, ठीक है, एन बी ए कॉस थीटा, अभी भी फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, किसी एंगल पे रख दो, ये रोटेशन नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए ओमेगा से जो रोटेट कर रहा है नहीं होता, तो फिर क्या होता, फ्लक्स कांस्टेंट है, ईएमएफ जनरेट होता है क्या, नो, राइट। अनटिल फ्लक्स चेंजेस देयर इज नो ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वाइल रोटेट हो रहा है, क्वाइल रोटेट होने की वजह से ये थीटा इज चेंजिंग, थीटा हमेशा चेंज हो रहा है, तो मान लो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा का मतलब क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन, ओमेगा रेडियन, 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा रेडियन। टी टाइम में आप अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखो तो फाई कितना आ जाएगा, ठीक है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, मैं ये वाला एक्सप्रेशन ला के लिख देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, एन बी ए कॉस, बट यहाँ पे ओमेगा की जगह मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ओमेगा टी, राइट। ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब देखो फ्लक्स अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसी के आगे देख लो अब, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ हो जाएगा आपका, होता क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, तो आपको बस डिफरेंशिएशन लेना आता है, राइट, आसान है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ईएमएफ कितना आ जाता है, यहाँ पे देख लो ईएमएफ हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का माइनस, तो ये आ जाएगा एन बी ए। देखो कॉस थीटा का तो होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे ये ओमेगा टी भी है, तो इनटू में ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। ये आपका आ गया ईएमएफ। अगर आपको इस कॉयल का एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया हो जो कि कैपिटल आर हो, तो करंट अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो आपको गिवन है, तो करंट कितना जनरेट होगा इस ईएमएफ की वजह से? करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, राइट। आर इज द रेजिस्टेंस, इसको फिर से लिख लो अगर, तो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट था रोटेटिंग कॉइल की वजह से। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सॉरी अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को यूज करके नीट ने पूछ लिया था। ओके, अब आप फॉर्मूला रटते हो तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए बी डॉट ए है, किसी एंगल पे होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा होगा और थीटा चेंज होगा रोटेशन की वजह से, तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस दिया है तो करंट आ जाएगा ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर से। तो आपको यहाँ लास्ट से सोचना था, रेजिस्टेंस दिया है और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स किसी ना किसी तरह से चेंज होना चाहिए, ये माइंड में क्लिक करना चाहिए उस टाइम आपको, कि फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो वी अपॉन आर से करंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये क्लिक करना चाहिए था एग्जाम में, राइट। तो आगे करते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक बिग सर्कुलर कॉयल है जिसमें क्या दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लिया करो पहले से ही। एन क्या दिया है? 1000 टर्न्स। रेडियस, रेडियस ऑफ द कॉयल कितना है? एक बिग सर्कुलर कॉयल है, रेडियस है 10, ठीक है, 10 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डायमीटर, सॉरी, और ये रोटेट हो रहा है इस कॉयल के हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अराउंड अबाउट, तो किस ओमेगा से रोटेट हो रहा है? अभी अभी बताया, डब्ल्यू में ओमेगा से डिनोट कर रहा हूँ, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये दिया है अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अर्थ का वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, किस प्लेन में होंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो 2 × 10⁻⁵, राइट। ये पावर का सिंबल है तो कंफ्यूज मत होना, ये बस कंप्यूटर में ऐसे ही लिखते हैं, 2 × 10⁵ टेस्ला, राइट। एंड देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर गिवन है आपको कितना, 12.56 ओम्स, ओके, राइट। अब हमें आई निकालना है, करंट निकालना है यहाँ पे अभी अभी। और हाँ, वेट वेट वेट, देयर इज इम्पोर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द कॉयल निकालना है। तो एक बात बताओ, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एक चीज मैं आपको बता दूं, आप साइन और कॉस का कर्व हमेशा याद रखा करो, ये साइन का कर्व होता है ऐसे ऐसे जाएगा, सॉरी बहुत गंदा कर्व बना है, और ये किसके किसके बीच होता है? ये होता है -1 के बीच और +1 के बीच। उसी तरह कॉस का कर्व होता है, कॉस का यहाँ 1 से शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा, ये भी -1 और +1 के बीच होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साइन का या कॉस का? दैट वुड बी 1, ये साइन का कर्व है, साइन एक्स, साइन एक्स का कर्व है, और ये जो है आपका कॉस एक्स का। ये सब थोड़ा थोड़ा माइंड में नीट वाले आप लोग रखे रहोगे तो सही रहेगा, एग्जाम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है बट वो भी नहीं कर पाते, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन में दिक्कत आती है, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छा करते हो आप लोग, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, बट उसमें भी दिक्कत होती है, ओके। कमिंग टू, ओके, क्या निकालना था? हाँ, करंट निकालना था, राइट। आते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था ना, मैक्सिमम करंट पूछा है, यहाँ से देखो आप ये चीज, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये इंड्यूस करंट थी, राइट। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी वैल्यू 1 रख दो, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, यही निकालना था आपको। अब सोचो, अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था इसलिए ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, आप समझे नहीं थे कॉन्सेप्ट को, इसलिए नहीं समझ पाया, इसलिए नहीं क्वेश्चन हो पाया। तो एन की वैल्यू रख दो 1000 × बी कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁵ × एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बताओ?
सॉरी पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर दो रेडियस 10 दिया है तो आर सीधा सीधा दिया है 10 स्क्वायर मतलब 100 पाई आर स्क्वायर राइट अपॉन आर। रेजिस्टेंस कितना दिया है 12.56 ओके। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी करंट आ जाएगी 1 एम्पियर। आप इसको कर लेना, कैलकुलेटर मत यूज करना ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। इंजीनियरिंग में अलाउड होता है कैलकुलेटर, वो भी इंजीनियर सॉरी बीटेक में आने के बाद, मतलब कॉलेज मिलने के बाद, उसके पहले नहीं। आप लोगों को भी अलाउड होगा एमबीबीएस में, वो एक स्टैटिस्टिक्स का आता है किसी सेकंड प्रॉफ या थर्ड प्रॉफ में आई थिंक ओके, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट अभी नहीं, अभी कैलकुलेटर मत यूज करना ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फनी क्वेश्चन मुझे लगा करते हैं, ये फनी क्यों है मैं बताता हूँ। देखो आप लोग क्या करते हो ना, रटते हो क्वेश्चन, रटो मत क्वेश्चन। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट STP। एक बार बताओ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए STP क्या है, जीरो सी और STP 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर क्या होता है 10 to the power 5 pascals, ये होता है STP। अभी रुको, NTP भी याद कर लो, अभी भी NTP होता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या होता है वही 10 to the power 5 pascal ओके, ये हमेशा याद रखो। अब देखो इसमें लिखा है वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप सोचोगे वाटर तो आइडियल गैस है नहीं, तो कैसे यूज कर लेंगे हम PV इक्वल टू NRT ठीक है। PV इक्वल टू NRT ही लगेगा, वो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, बट वाटर है, वाटर तो गैस है नहीं। यहाँ पे एक चीज लिखी है इसीलिए कहता हूँ, आइडियल गैस क्या होता है पहले ये सोचो, वैनिस से ज्यादा। एक बात बताओ, वाटर लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय सम फोर्स दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मान लो किसी भी मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो वैनिस हो जाए, जीरो कर दिया जाए, तो सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे राइट। फ्री हो जाएंगे तो मटेरियल क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये वाटर नहीं है एक्चुअली, ये गैस की बात कर रहा है ठीक है। वाटर वेपर बन गया है एकदम से ओके, तो वेपर बन गया तो कर लो फिर PV इक्वल टू NRT लगाना है, इक्वल टू N कैपिटल R कैपिटल T। देखो अब इसमें दो चीज पता होनी चाहिए थी आपको, एक तो STP की कंडीशन पे टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है। अब बताओ T पता चल गया आपको, प्रेशर पता है, N नंबर ऑफ मोल्स, आप तो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से आती है ना आपको, N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट राइट। कर लोगे एन आ जाएगा 4.5 kg अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18, ये कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और एन आ गया, आर आर याद होना चाहिए, आर ये सब चीजें जो रटने वाली चीज होती है वो रट लिया करो, फॉर्मूला मत रटा करो, फॉर्मूला ठीक है रटो बट समझ के रटो। आर की वैल्यू कैरेक्टर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ये होता है 8.3 MKS यूनिट में ठीक है। और एक बात यहाँ पे एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी, अगर PV इक्वल टू MRT यूज कर रहे हो ना, तब बताओ M की वैल्यू MRT, तब बताओ R R डैश कर लो, R डैश इंटू T, तब तब बताओ R डैश कितना होता है, R डैश होता है यहाँ पे R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमेशा ध्यान दो ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गया आपको यहाँ से, अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकल जाएगा क्या ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा N निकाले हो आप, मैं कैलकुलेट वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, R 8.3, T टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 273 अपॉन प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाएगा 10 to power 5 ठीक है। और जो वैल्यू निकालोगे आप वो आ जाएगा 5.6 m³ ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस होता क्या है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिस कर जाए। अब ये भी कह सकता था क्वेश्चन में ना, 4.5 kg वाटर है विच इज कन्वर्टेड टू आइडियल गैस विच इज बिहेवियंग एज आइडियल गैस, सो फाइंड आउट द वॉल्यूम, क्यों कहे भाई, थोड़ा तो टफ करना है राइट, कंफ्यूज करना है। सो इसको इसीलिए कुछ भी कोई भी फॉर्मूला हो ट्राई टू पुट इट इन वर्ड्स,
ठीक है, कोई भी डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अब इफ यू डू नॉट नो कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक एवरी ईयर हर साल आता है कि चार्ज कर दिया, नहीं चार्ज किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट हैपेंस। कुछ कभी एनर्जी पूछ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया, कभी कुछ और पूछ लिया। ओके, 15 मिनट, 2 क्वेश्चन एंड वन मोर कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट कवर किया, 2 क्वेश्चन कवर किया, आई थिंक इट इज गुड, राइट? कोई सजेशन हो तो प्लीज आप दो, और आई कैन इम्प्रूव देन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।